गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन अड्डा। आज हम लोग जो आपके लिए चैप्टर लेके आए हैं वो है नाउन सेक्शन से। इससे पहले हम लोग नाउन के टोटल 3 वीडियोस देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से इसके सारे वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। उससे यही होगा कि जितने भी मेरे उस वीडियो होंगे वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर। सबसे पहला रूल जो है वो है रूल नंबर 1, कहता है टू कन्वर्ट मैस्कुलिन नाउन इनटू फेमिनिन नाउन एड ई डबल एस आफ्टर देम। कहता है कि अगर आपको मैस्कुलिन नाउन को फेमिनिन नाउन में बदलना हो तो आपको उससे पहले उसके बाद क्या यूज़ करना पड़ता है, ई डबल एस यूज़ करना पड़ता है। और ई डबल एस लगा के आप किसी भी मैस्कुलिन नाउन को यानी पुल्लिंग को हम लोग स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑथर लिखा हुआ, ऑथर का मतलब होता है लेखक। और यहाँ पर देखिए ऑथर के बाद लिखा हुआ है ऑथरेस यानी लेखिका। इस एग्जाम्पल में लास्ट में यूज किया गया है ए डबल एस का। तो पहला रूल यही कहता है कि अगर आप मैस्कुलिन नाउन को फेमिनिन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको उस वर्ड के एंड में ई डबल एस का यूज किया जाएगा करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल है उसमें उसके लास्ट में आपको ई डबल एस का यूज दिख रहा होगा। तो पहला रूल यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप किसी भी मैस्कुलिन नाउन को यानी किसी भी पुल्लिंग को अगर स्त्रीलिंग में बदलना चाहते हैं तो आपको उसके साथ ई डबल एस वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये था पहला रूल, कन्वर्जन ऑफ मैस्कुलिन नाउन इनटू फेमिनिन नाउन। तो आप किसी भी मैस्कुलिन नाउन को फेमिनिन में बदलने के लिए उसके बाद में ई डबल एस का यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको पहला रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर टू अपने पास है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, लास्ट वोवेल ऑफ एंड द कॉन्सोनेंट लेटर बिफोर द वोवेल, यानी कि अंतिम वोवेल और उससे पहले वाले कॉन्सोनेंट जो होते हैं, ठीक ना, उसके पहले हम लोग अगर उसको रिमूव कर देते हैं यानी उस वोवेल को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद में हम ई डबल एस का यूज़ करते हैं तो उससे भी हम लोग फेमिनिन बना सकते हैं, फेमिनिन नाउन बना सकते हैं। अब अगर आप लोग पूछेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है एक्टर, यहाँ पर देखिए एक्टर में एक्ट के बाद ओ लगा हुआ है जो कि एक वोवेल है और उससे पहले वाला जो वर्ड है वो क्या है, टी है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया कि आपको उस वोवेल को हटाना और उस वोवेल के बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ से अगर आप वोवेल रिमूव कर देते हैं यानी यहाँ पे रिमूव ऑफ ओ हो जाएगा, तो ओ अगर आप रिमूव करते हैं तो आपके पास वर्ड मिलेगा ए सी टी आर और इस वर्ड में आपको क्या लगा देना है, ई डबल एस लगा देना है। तो ये क्या हो गया, इससे आपका ये जो वर्ड है यानी ये जो मैस्कुलिन नाउन है वो अब क्या में कन्वर्ट हो गया, फेमिनिन में कन्वर्ट हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है बेनीफैक्टर, तो यहाँ पे देखिए वोवेल क्या यूज़ हो रहा है, ओ यूज़ हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेम केस ओ को रिमूव करेंगे और उसके बाद आर के साथ यानी कॉन्सोनेंट के साथ ई डबल एस लगा देंगे। तो दूसरा केस आपका यही है कि आपको अंतिम वोवेल का जो अक्षर है और कॉन्सोनेंट लेटर है तो कॉन्सोनेंट लेटर से पहले जो भी वोवेल आ रहा है उसको आपको वहाँ से रिमूव करना है और उसके साथ ई डबल एस का यूज़ करना है जिससे कि आप उस मैस्कुलिन नाउन को फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है कन्वर्जन ऑफ मैस्कुलिन नाउन इनटू फेमिनिन नाउन। जैसे कि यहाँ पे देखिए हंटर का क्या हो रहा है, हंट्रेस हो रहा है, वेटर का क्या हो रहा है, वेटरेस हो रहा है। यहाँ पे देखिए हर केस में आपको वोवेल यहाँ पे देखिए ई रिमूव हो रहा है, यहाँ पे ओ रिमूव हो रहा है, यहाँ पे ई रिमूव हो रहा है, यहाँ पे ओ रिमूव हो रहा है। तो इन सभी केसेस में वोवेल को रिमूव किया जा रहा है और कॉन्सोनेंट के साथ ई डबल एस का यूज किया जा रहा है। तो आशा करते हैं कि आपको रूल नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए सीखते हैं रूल नंबर 3 जो अपने पास है। नेक्स्ट रूल अपने पास जो है वो रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 क्या कहता है, इन सम केसेस चेंजेस सम वर्ड इन फेमिनिन नाउन एंड एड ई डबल एस इन द एंड टू मेक इट फेमिनिन। कहता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कुछ वर्ड्स में चेंज करना होता है,
फेमिनिन नाउन के कुछ वर्ड्स में चेंज करना पड़ता है और उसके एंड में आपको ई डबल एस लगा के उसको फेमिनिन बनाना पड़ता है। अब देखिए आप पूछेंगे कि कैसे बनाते हैं, तो चलिए यहाँ पे सीखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ड है अपने पास इम्पेरर, मतलब शासक। यहाँ पे देखिए इम्पेरर में क्या किया गया, इस फेमिनिन वर्ड में इम्परेस बन जाता है, इसका इम्परेर का इम्परेस बन जाता है, गवर्नर का गवर्नेस बन जाता है, डक का डकनेस बन जाता है, मिस्टर मास्टर का मिस्ट्रेस बन जाता है। यहाँ पे देखिए मास्टर में ईआर लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे इसका पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। तो ये कुछ रूल्स हैं कि आप क्या करेंगे, कुछ वर्ड्स फेमिनिन नाउन के कुछ वर्ड्स में आप चेंज करेंगे और लास्ट में आपको क्या लगाना होगा, ई डबल एस लगाना होगा। जैसे मास्टर का मिस्टर कर दिए, डक का डच कर दिए, गवर्नर का गवर्न कर दिए। यहाँ से हम लोग ओ आर को रिमूव कर रहे हैं, यहाँ से देखिए इम्पेरर में हम लोग क्या रिमूव कर दिए, इम्पेरर का ई आर ओ आर रिमूव कर दिए, यहाँ पे इम्प्रेस इसको बना दिए। तो ऐसे केसेस हैं कि जब आप फेमिनिन में कुछ वर्ड्स में बदलाव कर देते हैं और उसके एंड में डबल ई डबल एस लगा देते हैं, तो उससे भी आप लोग उस सेंटेंस को या उस नाउन को आप फेमिनिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, ऐसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, फिलहाल मैंने कुछ ही एग्जाम्पल बताया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये भी रूल समझ में आ गया है। ये सारे चीज़ बेसिक अप्रोच के लिए सही है, इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन में कहीं मिल जाए इम्परेरर, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको अगर फेमिनिन में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, ये समझ में आना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आपको रूल नंबर 3 समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट रूल अपने पास है रूल नंबर 4, चलिए सीखते हैं रूल नंबर 4। क्या है रूल नंबर 4, कहता है इन सम केसेस ऑफ कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन चेंजेस मेड इन फर्स्ट एंड सेकंड वर्ड। कहता है कि कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन के केसेस में चेंजेस, जो बदलाव होंगे वो पहले और दूसरे शब्द में होंगे। अब कैसे होंगे, तो चलिए सीखते हैं। ये है अपने पास मैस्कुलिन, दूसरा है फेमिनिन। यहाँ देखिए मैन सर्वेंट लिखा हुआ है, सर्वेंट का मतलब नौकर और मैन का मतलब लड़का या पुरुष। यहाँ पे देखिए लड़का सर्वेंट है, तो यहाँ पे देख रहा है मेड, मैन से बना हुआ मेड, तो मैन का जो प्लुरल है यानी फेमिनिन साउंड होता है वो क्या हो जाता है, मेड हो जाता है। तो ये हो गया मेड सर्वेंट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड वर्ड में ही बदलाव आ रहा है, सेकंड वर्ड आपके पास सेम रह गया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड जो था मैन था, मैन सर्वेंट, तो दूसरा वर्ड क्या बन रहा है, मेड सर्वेंट बन रहा है। उसी तरह से वासर मेन है, तो मैन का फेमिनिन साउंड क्या हो जाता है, वासर। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड सेम रहा, सेकंड वर्ड जो है वो क्या हो जा रहा, ओमेन हो जा रहा। दूसरे केस में देखिए बैक रबिट है, तो बक रबिट है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड है और यहाँ पे सेकंड वर्ड है, तो फर्स्ट वर्ड में यहाँ पे चेंज हो रहा है, सेकंड वर्ड सेम टू सेम है। तो यहाँ पे देखिए जैसे फर्स्ट वर्ड आपके पास है ही बियर है और यहाँ पे देखिए सी बियर बन जा रहा है। तो क्या कहा गया कि जो भी बदला होगा या तो फर्स्ट वर्ड में होगा या सेकंड वर्ड में होगा। तो यहाँ पे जो चेंजेस है वो किस वर्ड में हो रहा है, फर्स्ट वर्ड में हो रहा है, ही की जगह सी का यूज किया गया। दूसरा एग्जांपल है बुल काफ, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड, यहाँ पे भी जो चेंजेस है वो किस में हो रहा है, फर्स्ट वर्ड में हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास मिल्क मैन, इस सेंटेंस में इस एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि मिल्क मेड हो जा रहा है, यहाँ पे जो भी चेंजेस है वो किस में है, सेकेंड वर्ड में है। तो आपको इस रूल से अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी बदलाव होगा कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन्स के केस में, वो बदलाव या तो फर्स्ट वर्ड में होगा या फिर सेकंड वर्ड में होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है जैक एस, तो यहाँ पे देखिए जैक का बन रहा है जेनी एस, यहाँ पे जो बदलाव है वो किस केस में है, फर्स्ट वर्ड में है यानी पहले वर्ड में है। तो समझ में आ गया होगा कि जब भी कंपाउंड मैस्कुलिन का केस हो तो उसमें जो चेंजेस होगा, जो बदलाव होगा उसको फेमिनिन बनाने के लिए, या तो आप उसके फर्स्ट वर्ड को चेंज करेंगे या फिर आप उसके सेकेंड वर्ड को चेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं रूल नंबर 5, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस रूल्स का सबसे लास्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 5। नेक्स्ट रूल अपने पास है रूल नंबर 5 और इस चैप्टर का सबसे लास्ट रूल है। कहता है इन फॉरेन वर्ड्स यानी विदेशी शब्दों में सम डिफरेंट वर्ड्स ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर वी कांट चेंज बाय सम स्पेशल रूल। जैसे कि हम इससे पहले 4 रूल में पढ़ चुके हैं कि मैस्कुलिन को फेमिनिन में बदलने के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं। कहीं पे हम लोग वॉवेल को कन्वर्ट करते हैं, कहीं पे हम लोग ई डबल एस का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड्स हैं जिसमें कोई भी स्पेशल रूल्स नहीं होता, फिर भी उसमें चेंजेस होता है, यानी उसको मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे। जैसे कि लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है प्रशासक।
अब यहाँ पे देखिए एडमिनिस्ट्रेटर का क्या वर्ड हो गया, फेमिनिन में एडमिनिस्ट्रेटिक्स हो गया। उसी तरह एग्जीक्यूटर का वर्ड बन जाता है एग्जीक्यूट्रिक्स बन जाता है। लैड का बन जाता है लास, लैड मतलब होता है लड़का और लास का मतलब होता है लड़की। ये आप लोग के लिए एक नया वर्ड है लैड और लास। प्रोसिक्यूटर का देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्रोसिक्यूट्रिक्स हो जा रहा है। कॉल्ट मतलब बछड़ा का क्या हो जा रहा है, फेली हो जा रहा है। बक हिरन का डुई हो जा रहा है। हार्ट मतलब मृग होता है, उसका क्या हो जा रहा है, रोई हो जा रहा है। बैचलर का मेड हो जाता है। कॉक मुर्गा का हैन हो जाता है। ही का सी हो जा रहा है। हस्बैंड का वाइफ हो जा रहा है। लॉर्ड का लेडी। एंड विजार्ड मतलब जादूगर का विच हो रहा। तो इस रूल में आप ये समझें कि कुछ मैस्कुलिन्स नाउंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी स्पेशल रूल नहीं लगाया जाता है, यानी जब उसको आपको फेमिनिन में कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए कुछ विशेष रूल नहीं होंगे, उसमें कन्वर्ट करने के कुछ विशेष रूल्स नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ आपको जितने भी एग्जांपल है उसमें आपको पता चल जा रहा होगा कि ना ही यहाँ पे कोई वोवेल साउंड हो रहा है, ना किसी चीज़ को रिमूव किया जा रहा है। यहाँ पे IX कहीं लग रहा है तो कहीं LY लग जा रहा है, कहीं पे बक का डू हो जा रहा है। तो यहाँ पे कोई स्पेशल पार्टिकुलर रूल नहीं है, यानी ये सारे वर्ड्स जो हैं वो किसी पार्टिकुलर रूल पे सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो ये था रूल नंबर 5 के फॉरेन वर्ड्स में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे मैस्कुलिन नाउन हैं जिसको कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई भी स्पेशल रूल की ज़रूरत नहीं होता है। फिर भी इन सभी वर्ड्स को आपको क्या करना होगा, मेमोराइज करना होगा, ताकि ये वर्ड जहाँ भी मिले तो आप वहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको फेमिनिन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप एडमिनिस्ट्रेटर में क्या कीजिएगा, OR को रिमूव करके ESS लगा दीजिएगा, जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये किसी भी रूल्स पे फॉलो नहीं करते हैं, यानी इसके लिए कोई स्पेसिफाइड रूल्स नहीं है। तो इसको कन्वर्ट करने से बेहतर है कि आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, ताकि जहाँ भी आपको ये वर्ड्स मिले आप उस पर ये रूल्स, उस पर ये वाला जो फॉर्मूला है यानी ये जो कॉन्सेप्ट है वो लगा सकते हैं आप, कि ये सारे जब वर्ड्स आएंगे तो इसके साउंड फेमिनिन में ये हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको रूल नंबर 5 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा, और आप लोगों को और क्या क्या चीज़ के लिए वीडियोस चाहिए तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस बनाऊं तो आप लोग के कमेंट को ध्यान में रखते हुए अच्छे से कंटेंट्स तैयार करूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय। और हाँ, कल हम लोग इसके जो प्रॉब्लम्स देखेंगे कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नाउंस, नाउंस के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स देखे जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर या कि कॉमन ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन हम इस चैनल में डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।